मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से की भेंट। केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं पर विस्तार से की चर्चा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में हुई बैठक में आंचल दूध की ब्रांडिंग पर की गई चर्चा। एनसीडीसी के तहत गायों की खरीद की दी गई व्यवस्था। जनपद के 4 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे प्रभारी मंत्री गणेश जोशी। सबसे पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन कार्य समिति की बैठक में हुए शामिल। भाजपुर के गजरौला के राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अटल उत्कर्ष विद्यालय का किया शुभारंभ। शिक्षकों से साथ बैठक कर की चर्चा। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। राजधानी सहित कई जिलों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दिया धरना। ग्रेड पे बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश में गोपनीय रूप से हो रही है खाकी की बगावत, तो वहीं कांग्रेस सड़क पर उतर कर कर रही है खाकी की रहनुमाई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून में डेयरी विभाग की बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें आंचल दूध ब्रांड की ब्रांडिंग पर मंथन किया गया और एनसीडीसी के तहत 3 गाय खरीद की अथवा 5 गाय खरीद की व्यवस्था की गई। इसके साथ व्यवहारिक दिक्कतों पर समीक्षा हुई। वहीं दुग्ध प्रोत्साहन राशि को 4 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया गया, जिससे सहकारी समिति के सचिव के लिए भी प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रस्ताव पर तैयार कर जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। देखिए, आज पशुपालन विभाग की बैठक नहीं, मैंने डेयरी विभाग की बैठक ली है और सभी हमारे 11 जो हमारे दुग्ध संघ अध्यक्ष हैं उनको भी, संबंधित दुग्ध संघों के जीएम भी हो गए, हमारे सहायक निदेशक हो गए, सभी जनपदों के वो आज पहुंचे थे। तो एक समीक्षा की गई है आखिरकार डेयरी में हमारा जो आंचल दूध है उसका किस प्रकार से हम लोग ब्रांडिंग कर सकते हैं और क्या व्यवहारिक समस्याएं हम लोगों को देखने को मिल रही, उन सब चीज़ों की समीक्षा की गई। एनसीडीसी के तहत में जिस प्रकार से 3 गाय खरीद की अथवा 5 गाय खरीद की जो व्यवस्था दी गई है उसको व्यवहारिक रूप से हम लोगों को अपनाने में कहां कहां दिक्कतें आ रही है उसको लेकर समीक्षा की गई। भाजपुर के राजकीय इंटर कॉलेज गजरौला में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अटल उत्कर्ष विद्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने वर्चुअल क्लास के माध्यम से अन्य अटल उत्कर्ष विद्यालय के शिक्षकों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भाजपुर के ग्राम गजरौला पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने अटल उत्कर्ष राजकीय इंटर कॉलेज गजरौला का शिलान्यास कर शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। जिसके उपरांत शिक्षा मंत्री ने वर्चुअल क्लास का शुभारंभ करते हुए अन्य अटल उत्कर्ष विद्यालयों के शिक्षकों के साथ बैठक की और आने वाले सत्र में बच्चों को बेहतर शिक्षा दिए जाने की अपील की। अटल उत्कृष्ट विद्यालय, इसे प्रदेश के वह गरीब अभिभावक जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहते हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोला गया और पूरे प्रदेश के अंदर 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय हैं और जहां पे अध्यापकों की कमी है इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले, उन अध्यापकों की तैनाती के लिए भी आज रामनगर बोर्ड में उनके स्क्रीनिंग टेस्ट उनका चल रहा है। तो बहुत जल्दी हमारे CBSE बोर्ड से मान्यता भी मिल चुकी है, अधिकांश स्कूलों को अध्यापकों की तैनाती भी हो जाएगी और इन विद्यालयों में ऑनलाइन बच्चों का एडमिशन भी हो उसके लिए भी वेबसाइट हमने बना दी है। तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय इन गरीब अभिभावकों की सपनों को साकार करने के लिए किया गया, उनको बधाई। खबर उत्तरकाशी से है। यहां जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उत्तरकाशी आगमन पर सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद गणेश जोशी जोशियाड़ा में भाजपा कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। साथ ही प्रभारी मंत्री ने कहा भाजपा समय समय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चर्चा करती है और कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार पुनः 2022 में बनेगी। स्थान पहुंचेगा, ऐसा कुछ नहीं है, नाम निलाव कुछ नहीं है। पहले यही कुछ लोग आए थे
कि साहब इसको लागू करिए, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमारा संवाद चल रहा है और निश्चित ही उनके होते को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जहां जहां भी जस्टम बोर्ड बने हैं वहां की स्थिति आप देख सकते हैं। प्रदेश में खाकी की बगावत गोपनीय रूप से हो रही है, तो सड़कों पर कांग्रेस खाकी की रहनुमाई कर रही है। ग्रेड पे बढ़ोतरी को लेकर पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह का कोई आश्वासन न मिलने की वजह से अब ग्रेड पे का मुद्दा राजनीतिक होने लगा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। हर पल प्रहरी की तरह जनता की सेवा में तैनात खाकी वर्दी के अंदर भी एक इंसान ही है, जो अपने खुशियों से पहले वर्दी का फर्ज अदा करते हुए तपती धूप की तपिश हो या कड़कड़ाती हुई सर्दी, तूफान या बारिश, वर्दी का फर्ज निभाते हुए अपनी सेवा में तैनात रहता है। जब दीपावली पर आप घरों की सजावट में लगे होते हैं तो ये खाकी पहने जवान आपकी सुरक्षा में तैनात रहकर दूसरों के घरों का उजाला देखकर ही खुश हो जाता है, मगर अपने घर का उजाला देख नहीं पाता। होली के रंगों से जब आप सारोवर होते हैं तो खाकी का जवान अपने चेहरे के रंगों को देख कर ही होली की रौनक को महसूस कर लेता है। मुख्यमंत्री की शव यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि जो पुलिस कर्मी हैं, जिन्होंने कि कोरोना काल में विशेष योगदान दिया है, डॉक्टर्स, पुलिस कर्मी आदि ने ही सारा पीरियड संभाला है, सबको संभाला है, उनको सम्मान देने के बजाय उनके वेतन में कुछ परसेंट कट किया जा रहा है। उस कट के लिए हमारे DGP और सारे पुलिस के बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री से बहुत प्रयास कर चुके हैं कि वो कट ना हो और उनका वेतनमान बढ़े, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसके लिए कांग्रेस यहाँ 15 तारीख से लेकर 17 तक मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकल रही है, ताकि वो जागें, उनको जगाने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। और पुलिस कर्मियों का वेतनमान जो काटा जा रहा है उसको ना काटें, बल्कि उसको बढ़ाएं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जो ये आंदोलन है और हम सड़कों पे आकर इस मांग को रखेंगे। भले ही प्रदेश पुलिस का सिपाही अपने हक के लिए खुलकर सरकार के सामने विरोध नहीं जता पा रहा हो, जो उस वर्दी की मर्यादा है, लेकिन खाकी के जवानों के परिवार जरूर अब तक हक के लिए राजनेताओं से गुहार लगा रही है। यही नहीं, कांग्रेस सेवा दल ने भी अब पुलिस कर्मियों के इस दर्द को साझा करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाल कर ग्रेड पे बढ़ोतरी की मांग की है। मुख्यमंत्री मर गया, भाजपा मर गई, राज्य पुलिस के पुलिस कर्मियों के साथ जो गद्दारी, जो बेईमानी भाजपा सरकार ने की है, इनका ग्रेड पे घटा करके इनको चेताने के लिए, जगाने के लिए मुख्यमंत्री शव यात्रा आयोजित की है और ये शव यात्रा 3 दिन तक चलेगी। राज्य पुलिस कर्मियों का जो पुराना ग्रेड पे है वो बहाल कराने की मांग करेगी और फिर भी नहीं हुआ तो आगे संघर्ष का ऐलान कांग्रेस सेवा दल करेगी। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे का मुद्दा अब सड़कों पर आंदोलन का रूप ले चुका है, जो ग्रेड पे 4600 होना चाहिए 2800 कर दिया है, जिसे सीधे सीधे तौर पर 1800 की कटौती कर दी गई है, जिसको लेकर लंबे समय से खाकी अपना अधिकार मांग रही है, लेकिन सरकार की कानों में अब तक जूं तक नहीं रेंग रही है। देखना होगा कि सड़कों पर आंदोलन की गूंज आखिर कब तक सरकार के कानों तक पहुंचती है और वर्दी के पीछे का दर्द आखिर सरकार कब समझती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। सेवा दल मैदान में, पुलिस कर्मियों के सम्मान में, सेवा दल मैदान। लगातार डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान हो चुकी है, जिसके चलते दर्जनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिनेशपुर पेट्रोल पंप पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान दिनेशपुर नगर कार्यकारिणी अध्यक्ष नारायण हालदार ने कहा कि इस कोरोना काल में जनता परेशान है, ऊपर से रोजगार भी नहीं है, ऐसे में सरकार 46 रुपए का पेट्रोल में 53 रुपए का टैक्स लगाकर 100 रुपए में बेच रही है, जिससे जनता परेशान है और क्षेत्र में बारिश ना होने के कारण किसानों का खेत पूरी तरह से सूखा जा रहा है। पार्टी द्वारा राहुल जी के निर्देश पर पूरे देश में हम लोग जो है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो पेट्रोल का जो वास्तविक रेट है वो 47 रुपये है,
केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके करीब 43-53 रुपया 51 पैसा करीब ये लोग टैक्स लगा रहे हैं, लगा के जो है करीब 100 रुपये करीब पेट्रोल पहुँचा है। और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, डीजल की कीमत बढ़ने से अभी जो हमारी किसान है, आपको पता है कि बारिश कम होने की वजह से अभी जो है लोग जो इंजन चला रहे हैं तो उनके वहाँ पे पूरी मिट्टी फट जा रहे हैं, तो पानी की रिक्वायरमेंट के लिए जो पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं तो उससे उनका भारी बोझ का सामना करना पड़ रहा है, तो पूरे जो किसान वो त्रस्त है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द उठेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हल्द्वानी में बढ़ती महंगाई से युवाओं में रोष देखने को मिला। यहां NSUI के नेतृत्व में युवाओं ने पेट्रोल पंप पर क्रिकेट खेलकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान NSUI के प्रदेश प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि जब केंद्र सरकार सत्ता में महंगाई के ढोल पीट कर आई थी, पर अब महंगाई को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है, जिसमें पेट्रोल का दाम 100 के पार पहुंच गया है। पार्टी द्वारा राहुल जी के निर्देश पर पूरे देश में हम लोग जो है जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो पेट्रोल का जो वास्तविक रेट है वो 47 रुपये है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके करीब 43-53 रुपया 51 पैसा करीब ये लोग टैक्स लगा रहे हैं, लगा के जो है करीब 100 रुपये करीब पेट्रोल पहुँचा है। और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, डीजल की कीमत बढ़ने से अभी जो हमारी किसान है, आपको पता है कि बारिश कम होने की वजह से अभी जो है लोग जो इंजन चला रहे हैं तो उनके वहाँ पे पूरी मिट्टी फट जा रहे हैं, तो पानी की रिक्वायरमेंट के लिए जो पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं तो उससे उनका भारी बोझ का सामना करना पड़ रहा है, तो पूरे जो किसान वो त्रस्त है। चौकोडी और बेरीनाग के वासियों ने अल्मोड़ा बागेश्वर हल्द्वानी मोटर मार्ग में उडियारी बैंड के पास भूमि के मालिकाना हक को सांकेतिक चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यदि शीघ्र भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलता है तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई। भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण यहां का विकास नहीं हो रहा है, जिससे लंबे समय से यहां लोग परेशान हैं। हाँ, मेरा तो मानना यह है कि हम लोग गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी गुलामी जीवन व्यतीत कर दिया, हम भी व्यतीत कर रहे हैं, और हम अपने बच्चों को क्या दे जा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बच्चों को जो ट्रेनिंग वाले हैं जो उनको तो लोन ही नहीं मिल रहा, और लोन नहीं मिल रहा तो हम भारत के निवासी नहीं हैं। सितारगंज में आपके कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौराहे पर भाजपा नेताओं द्वारा प्रदेश की जनता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने से आक्रोशित होकर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान करने के बाद प्रदेश में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। यही कारण है कि कांग्रेसी और भाजपा कार्यकर्ता लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभाकर उनियाल द्वारा
अपने बयान में प्रदेश की जनता को भीख मंगा कहे जाने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश बना हुआ है। जो उत्तराखंड वासियों के लिए गलत टिप्पणी की गई है, बहुत बहुत ज़्यादा गलत था। बिजली फ्री सरकारी लोगों को मिल रहा है, हमारे नेताओं को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी को अगर बिजली फ्री मिलती है तो वो उनका अधिकार है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चिन्याली सौड़ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर निर्माण कार्य की पोल बारिश ने खोलकर रख दी। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का कार्य एक बरसात को भी नहीं झेल पा रहा है। चिन्याली सौड़ बाईपास मोटर मार्ग धनपुर के समीप लगभग 30 मीटर दीवार गिर गई, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया। साथ ही स्थानीय काश्तकारों के खेतों के रास्तों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। काश्तकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग में आए मलबे को हटाने पर रोक लगा दी। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास कल 4 घंटे तक अवरुद्ध रहा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संजीवनी हर्बल गार्डन का रिबन काटकर उद्घाटन किया। हर्बल गार्डन में करीब 250 विभिन्न गुणकारी औषधीय व फलदार पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने हर्बल गार्डन में सीता अशोक की पौधे भी रोपित किए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला कार्यालय परिसर के एक हिस्से में काफी लंबे समय से खाली जमीन थी, जिसका उपयोग काफी लंबे अरसे से नहीं किया जा रहा था। पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल व उनकी टीम द्वारा जमीन का उपयोग कर सुंदर हर्बल गार्डन के रूप में विकसित किया गया है। और यहां वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? क्या हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें? हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में है डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सुबह के लिए उड़ चला गारों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है नवजोत सिंह सिद्धू को।
सिद्धू और सीएम के बीच टकराव के बाद ये एक बड़ा फैसला सामने आया है। कमलनाथ का दिया गया फॉर्मूला काम आया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लिए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगा दी है। अब नवजोत सिंह सिद्धू होंगे पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष। बैठक में प्रताप सिंह बाजवा भी शामिल हैं। एक बैठक हो रही चंडीगढ़ में सिद्धू और कई पदाधिकारियों के साथ, चार मंत्रियों दो विधायकों के साथ इस वक्त चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू की बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लगातार जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव की खबरें आ रही थी, एक विवाद बढ़ता जा रहा था। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, और जिसके बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। जो केंद्र सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, उसने सिद्धू पर भरोसा जताया है। तो कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू पर भरोसा जताया है और नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस वक्त मीटिंग चल रही चंडीगढ़ में, जहां पर खुद नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद हैं, साथ ही साथ कई मंत्री, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं। लगातार सिद्धू और पंजाब के सीएम के बीच टकराव देखने को मिल रहा था, एक जिसके बाद कमलनाथ जो पूर्व सीएम है मध्य प्रदेश के, उनका जो फॉर्मूला है वो काम आया है, और अब पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को मनोनीत किया गया है। हालांकि इसके पहले लगातार खबरें आ रही थी कि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, और आम आदमी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं जिक्र किया था, एक सॉफ्ट कॉर्नर जो होता है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आम आदमी पार्टी का था। लेकिन अब ये साफ हो गया है, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी कह सकते हैं पंजाब में जो एक धड़ा जो है वो खुद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का है, और एक धड़ा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जो मुख्यमंत्री से नाराज हैं, और केंद्र में जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली का, वो कहीं ना कहीं उसने भरोसा जो जताया है वो नवजोत सिंह सिद्धू पर जताया है। और ये भी कह सकते हैं कि अमरिंदर सिंह जो सीएम हैं उनसे दूरी बनाई जा रही है, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, कहीं ना कहीं एक नाराजगी है खुद सीएम से, क्योंकि सीएम अपने आप को ज़्यादा मजबूत देखते हैं और उनके फैसले से भी नाराजगी नज़र आती है शीर्ष नेतृत्व की। तो कह सकते हैं एक बड़ी जीत है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जिस तरह से पंजाब में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब क्या जो टकराव है सीएम का और सिद्धू का वो खत्म होगा, या फिर इस पर एक बड़ी दरार देखने को मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे चंडीगढ़ से, नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्या ये फैसला मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से उनसे मिलकर और उनके संज्ञान में और उनसे पूछ कर लिया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, या फिर ये फैसला सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस का है उसने लिया है। अगर ये फैसला अमरिंदर सिंह से पूछ कर नहीं लिया गया तो भी टकराव देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द पंजाब में चुनाव है, और अगर उनसे पूछ कर फैसला लिया गया तो कह सकते हैं पंजाब में कांग्रेस की जो फूट नजर आ रही थी उसमें एकजुटता देखने को मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू खुद चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं, कई सारे मंत्री, विधायक, पार्टी के पदाधिकारी वहां मौजूद हैं। बैठक में प्रताप सिंह बाजवा भी शामिल हैं।
पिछले कई दिनों से जो अमरिंदर सिंह है मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनके और सिद्धू के बीच टकराव देखने को मिल रहा था और अब एक बड़ी खबर आ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस ने पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।